सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वह लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास सूचना जाएगी, नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत हमारा वीडियो देख सकेंगे। तो आज मैं अपने सभी दर्शकों को, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और आगे भी जो सब्सक्राइबर बनेंगे, जो वर्तमान में इस वीडियो को देख रहे हैं या जो आगे देखेंगे, उन सबके लिए एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। देखिए, हमारे सब्सक्राइबर बंधु दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और चैनल ग्रो कर रहा है। अब ऐसे में मुझे तो हर महीने कुछ न कुछ धन मिल जाएगा, यानी कि हर महीने जो व्यूज आते हैं उनमें रेवेन्यू जो मिलता है वो कुछ न कुछ हमें मिल जाएगा और हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा उद्देश्य नहीं है केवल YouTube चला करके, YouTube पर वीडियो डाल करके उसके विज्ञापन से पैसा पैदा करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है ये आप आज अच्छी तरीके से जान लीजिए। जब से मैंने होश संभाला तो बचपन से ही मेरी एक कामना थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि तमाम दुनिया में जितने लोग हैं सबको सुखी कर सकूं। लोगों की पीड़ाएं, लोगों की बाधाएं, लोगों का रोना और लोगों के साथ अनर्थ होना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैं जब कभी रेडियो पर कोई खबर सुनता था कि फला जगह फला व्यक्ति को के साथ ऐसा हो गया, या कभी मैं अखबार में पढ़ता था, तो उन हृदय विदारक जो घटनाएं होती थीं उन पर मुझे, जो पीड़ित पक्ष होता था उन पर बड़ा ही दया आती थी, पीड़ित पक्ष पर बड़ी ही दया आती थी। कभी मैंने सुना कि किसी सौतेली माँ ने किसी अपने सौतेले बेटे को या बेटी को मार डाला, या इस प्रकार की मैं जब घटना सुनता था तो मुझे पीड़ित पक्ष के ऊपर बड़ी ही दया आती थी कि मैं काश मैं कुछ ऐसा कर पाता। तो मैंने अपने जीवन को, देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी हाइट थी, अच्छा सब कुछ था, मैं चाहता तो कोई न कोई अच्छी सी नौकरी मेरा इंतजार कर रही थी और मैं हो जाता उसमें, पर नौकरी करके रिटायर हो जाना ये मुझे मंजूर नहीं था। मैंने जीवन में सोचा ये था कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि ये जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, फिर मेरे गुरुदेव मुझे मिले। तो जब गुरुदेव को मैंने पढ़ा और उनको सुना, उनके पास जाने लगे, तो मेरे गुरुदेव का कथन था कि शीर्षस्थ व्यक्ति बनो, करोड़पति तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, आईएएस बहुत मिलेंगे, मंत्री बहुत मिलेंगे, सांसद बहुत मिलेंगे, विधायक बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक बहुत मिलेंगे, यानी कि हर क्षेत्र में शिक्षक बहुत मिलेंगे, है ना, वकील बहुत मिलेंगे, जज बहुत मिलेंगे, पर तुम ऐसा बनो जो शीर्षस्थ व्यक्ति बनो, अपने आप में सूर्य बन करके चमको। ये मेरे गुरुदेव की अवधारणा थी। तो अब गुरु ने कहा और मैंने उसको हृदयंगम किया, कठोर साधना की, अपने जीवन को उसमें ढाला और आज मैं इस लायक हो गया हूं कि लोगों का भला कर सकूं। और मैंने हमेशा चैलेंजिंग काम ही किए हैं, जो भी काम किया चैलेंजिंग काम किया, छोटा काम मैंने कभी किया नहीं, सरल काम मुझे पसंद नहीं, जो कुछ भी किया चैलेंजिंग किया। तो मैं अपने जितने भी हमारे YouTube के हमारे दर्शकगण हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि केवल YouTube से रेवेन्यू कमाना मेरे उद्देश्य नहीं है। मेरे पास जो आयुर्वेद का ज्ञान है, मेरे पास जो है ना, जो और भी ज्ञान है, तो उस ज्ञान के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान है जो मेरे पास, शास्त्रोक्त ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है,
और भी जितने ग्रंथ हैं, इसके अलावा आगम शास्त्र वगैरह का जो मैंने अध्ययन किया, जो महसूस किया, तो जो मैंने किया है उससे लोगों को लाभान्वित कर सकूं, और यही मेरे गुरुदेव के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेटा शीर्षस्थ व्यक्ति बनो, तुम्हें छोटा मोटा मैं नहीं बनाना चाहता, और जब भी कोई ऐसी बात हो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और मैं उनको अपने पीछे खड़ा महसूस करता हूं, और मैं यही यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों की बता देना चाहता हूं कि ये सुख समृद्धि विज्ञान चैनल, उन चैनलों में इसकी गणना मत करो जो आजकल अपना खूब टीआरपी बढ़ाते हैं और उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भ्रमित करते हैं और व्यूज बढ़ा करके कमाई कर रहे हैं। और मेरा वो बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैंने यूट्यूब पर साधनाएं भी देखी कम डाली हैं, और केवल सात्विक साधनाएं डाली हैं, ईश्वरीय साधनाएं डाली हैं। हालांकि लोग यक्षिणी अप्सरा इत्यादि के बारे में भी संपर्क कर रहे हैं, और वो संपर्क के माध्यम से मैं उनको वो दीक्षा और उनको वो ज्ञान दे भी रहा हूँ, वो सफल हो भी रहे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि 10 महाविद्याएं और त्रिदेवों की, त्रिदेवियों की, जो अच्छे देव हैं भगवान की शरण में, क्योंकि आदमी यहाँ पर इस इहलोक में सुख प्राप्त करके और परलोक में भी परमानंद को प्राप्त करे और उसका मोक्ष हो, कम से कम मैं ये चाहता हूँ। मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ, और ना ही मैं आप लोगों की कुत्सित भावनाओं को पूरा करने के लिए कोई प्रयास करूंगा। मुझे अच्छा लगेगा, आपकी सहायता करूंगा। मुझे अगर ये लगा कि आप गलत हैं, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। कुत्सित भावनाओं वाले लोग हमसे संपर्क करें भी ना। जाने कितने लोगों को मैं अभी तक मना कर चुका हूं। भला मेरे लिए यह पहचानना कितनी देर में कितना कठिन है कि कौन व्यक्ति कैसा है, तुरंत पहचान हो जाती है। तो मैं केवल उन्हीं लोगों का के लिए कार्य कर रहा हूं जो वास्तव में पीड़ित हैं, वास्तव में जिनको आवश्यकता है उस चीज की, और अपराधी स्वभाव के लोग, गलत नियत के लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये उद्देश्य था मेरा। अब इसमें भाई कोई काम आप कराते हैं, कोई ऐसा करते हैं, तो जो खर्चा आता है लीगल खर्चा हम आपसे लेंगे ही लेंगे। वो खर्चा आपको करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य मुफ्त में करा करके आप केवल और केवल ईश्वरीय उस शक्ति के प्रति और अपने गुरु के प्रति अपराध करते हैं। इसलिए हम अपनी नीयत साफ रखें, आप अपनी नीयत साफ रखें, और अच्छा लगे आपको तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को बेल का आइकन दबा लेना, अच्छा लगे तो शेयर करें, अच्छा लगे तो अपने मित्रों को बताएं। क्योंकि एक बात है ये कि अगर किसी जेन्युइन चीज का, अच्छी चीज का आप प्रचार करते हैं, अच्छे लोगों को बताते हैं, तो ये ईश्वर के प्रति आपकी बहुत बड़ी सेवा होती है, और इसका आपको सुफल जरूर प्राप्त होता है, इसका आपको सुफल अवश्य ही प्राप्त होता है, वो किसी न किसी माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है, इसको कहते हैं पुण्य। तो भाई मेरे, जिनके पास जो दान पुण्य से नहीं पुण्य करना चाहते, तो कम से कम अच्छी बात दूसरों को बता करके तो पुण्य कमा सकते हैं। सुख समृद्धि विज्ञान में जो कुछ भी कहा गया है, जो भी कुछ कहा जाता है, बहुत ही क्लियर कहा जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कहा जाता है, और कोशिश की जाती है कि कहीं भी झूठ ना हो, और नहीं होता है। तो आशा है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सुख समृद्धि विज्ञान।